पाकन तू दिबाप थुरो नसाति पाकन तू दिबाप मिकन वन नई चित राव रावन इकनि वन नई चित राव रावन यही छा इंसानियत गिल सर गालुन यही छा इंसानियत गिल सर गालुन अछन म्यानन चुलेखित खून हारुन क्या जानक में क्या क्या चुगुदरां क्या जानक में क्या क्या चुगुदरां बमोरुस पालिथीनन ईचुबावुन वचन म्यानन चुलेखित खून हारुन। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सबको पता है कि आज एनवायरमेंटल डे है, सबको पता है ना। और आज हम पर्पसली इस जगह पर आए, उसका रीजन ये है, इस जगह को कहते हैं गिलसर। ये जो ब्रिज है, इस साइड गिलसर है, इस साइड खुशहाल सर है। 2 साल पहले अगर इस लेक को आप देखते थे, इस पे जानवर चलते थे, लोग चलते थे, बदबू। यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब, उनको मालूम है इसकी हालत क्या थी। दो चीज़ ये करने हैं कि एक तो हम आइलैंड यहाँ का आएंगे, तो सब मेरे साथ कहेंगे आई प्लज टू मेक ऑल पॉसिबल चेंजेस इन माई लाइफ टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। I also commit to continuously motivate my family, my friends, and others about the importance of environmental friendly habits। So, मंजूर साहब ने माहौलियत के ताल्लुक से आपको बता दिया कि ये सर जो है 2021 में जब हम यहाँ आए तो ये सर नहीं लग रहा था, ये लेक नहीं लग रहा था, ये वाटर बॉडी नहीं लग रही थी। लेकिन अब 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद जो नेलको ने किया, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये खुशहाल सर वाकई खुशहाल है। तो अब इस मौके पे जो ख़ासकर यहाँ स्टेक होल्डर्स, यहाँ के मोहल्ले वाले, यहाँ के रहने वाले और नेलको से वाबस्ता अफराद जिस मेहनत के साथ, जिस तंदही के साथ उन्होंने काम किया, उनके ज़बान पे आज एक ही बात होगी कि न देखेंगे चमन बर्बाद होते कि इसमें खून शामिल है हमारा। जिस मेहनत के साथ, जिस तंदही के साथ नेलको ने मेहनत की, स्टेक होल्डर ने मेहनत की, अब उसकी हिफाजत करना बच्चों आपका फर्ज है, हर एक का फर्ज है, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबल है। आप देख रहे हैं कि मई के महीने में ठंड है, मई के महीने में बर्फबारी हो रही है, बे वक्त की बारिश हो रही है, माहौल तबाह हो चुका है, इंसानी जिंदगी और माहौल लाजमी मलसूम है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये यहाँ के हर फर्द बशर का काम है कि हम अपने माहौल को बचाएं और अपनी वाटर बॉडीज को बचाएं। इसी के साथ नेलको का एक बार फिर शुक्रिया हाजी मंजूर साहब और उनके साथ जुड़े हुए अफराद, खासकर स्कूल और उसके साथ यहाँ के स्टेक होल्डर्स, उनको उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्ला फलाह। मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मंजूर बांगू साहब का, जिन्होंने मिशन एहसास के ज़रिए हम सबको ये एहसास दिलाया कि ये जो वाटर बॉडीज़, ये जो वेटलैंड्स है, इनको रिस्टोर करना जो है हमारा अवलीन फ़र्ज है। और मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इनका कि ये वक्तन फवक्तन मुझे भी बुलाते रहते हैं अपने जो इस नेक काम में। आज चूँकि
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, मैं आपको ये बताऊं कि आप जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, जो घर में, मुझे बताइए सबके घर में पॉलिथीन आता है कि नहीं आता है? पापा जब लाते हैं शाम को कोई भी चीज़ लाते हैं, आप फ्रूट लाते हैं आपके लिए, मीट लाते हैं, तो किस में लाते हैं? पॉलिथीन में। तो आज से मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपने पापा को रिक्वेस्ट करें, उनको बताएं कि ये जो पॉलिथीन है इसके बहुत मुज़िर असरात हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, इनफैक्ट मैं पहली दफ़ा यहाँ आया, बट इस एरिया का जो मुझे इल्म है डिफरेंट पोस्टिंग से, स्पेशली मैं लास्ट पोस्टिंग लास्ट बट वन SMC में जब काम करता था, तो ये एक ऑलमोस्ट क्या कहते हैं ना, फेट अ कंपनी समझते थे ये ठीक नहीं होना है। जिसे इन्होंने कहा कि कह रहा था इसकी बराई करिए, क्रिकेट विकेट खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में ऐसी एक सोच डेवलप हो रही थी। तो जो काम मंजूर साहब ने किया और वो बड़ा काबिल तहसीन है, और आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मंजूर साहब को, उनकी टीम को और यहाँ के जो बाशिंदगान हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस काम को बड़ा सराहा गया है, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी अपनी मन की बात में इसका जिक्र किया है। हमने देखा है ऑनरेबल गवर्नर साहब भी इस बारे में बात कर रहे हैं, SMC कमिश्नर, जो आपके लेक्स एंड वाटरवेज के वाइस चेयरमैन भट साहब, उनका भी इसमें काफ़ी रोल रहा है। मगर मैं इसमें एम्फेटिकली बता सकता हूँ, मंजूर साहब की काविशों की वजह से वो पॉसिबल हुआ है, क्योंकि जब इम्पॉसिबल लग रहा था तो इन्होंने पैर जमाए, इनकी टीम ने पैर जमाए इधर, और बाकी लोग जुड़ गए।